छोटे बच्चियां देवी का रूप होती हैं, उनकी पूजा की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देवियों पर भी बुरी नजर रखते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ऐसे ही दो लड़कों ने 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। 26 जून को बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी, रास्ते से ही गायब हो गई। अगले दिन स्कूल के पास ही सुनसान जगह पर बच्ची जख्मी हालत में मिली। शरीर पर चोट के कई निशान थे, गला रेत कर हत्या की कोशिश की गई थी। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, वहां पता चला कि बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। बच्ची की हालत इतनी नाजुक थी कि इंदौर रेफर किया गया। डॉक्टर बच्ची की 2 सर्जरी कर चुके हैं, उसकी हालत सुधर तो रही है लेकिन खतरा बरकरार है। सीसीटीवी वीडियो की मदद से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दोनों से पूछताछ चल रही है। संवेदनहीनता की खबरें आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज आप संवेदनहीनता का चेहरा भी देख सकते हैं। एक सांसद है और दूसरे विधायक। संवेदनाओं की श्रद्धांजलि चढ़ाकर बीजेपी के दो नेता मंदसौर के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। सुदर्शन गुप्ता, आपको बता दें, इंदौर से विधायक हैं। सुधीर गुप्ता मंदसौर के सांसद हैं। लोगों ने सोचा सांसद विधायक पहुंचे हैं तो दुख बांटेंगे। 8 साल की बच्ची से हुई बर्बरता पर परिवार से मिलते ही उनकी आंखें भर आएंगी, लेकिन हुआ उल्टा। सांसद और विधायक हंसते मुस्कुराते फोटो खिंचवाते नजर आए। सांसद के पहुंचने के लिए विधायक जी ने पीड़ित परिवार को शुक्रिया कहने को कहा। अब इन दोनों नेताओं की हरकत पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। राजनीतिक दलों के नेता इनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। कश्मीर के लिए कहा जाता है, जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है। लेकिन इस वक्त जन्नत के दरवाजे पर घुटने तक पानी भर चुका है। जन्नत के शिकारे पानी में डूब गए हैं। मूसलाधार बारिश से कश्मीर की रंगत बदल गई है। झेलम नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों को एक बार फिर से 2014 जैसी बाढ़ का डर सताने लगा है। नदी नाले सब उफान पर है। डोडा में कई ट्रक और जेसीबी मशीन पानी के तेज बहाव में फंस गए। बारिश की वजह से कश्मीर में आज स्कूल बंद रहे। आफत की बारिश बाबा बर्फानी के भक्तों पर भी भारी पड़ी। कल अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा था। हालांकि आज मौसम में सुधार के बाद यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसे में जरूरी है कि आप भी अलर्ट रहें और सुरक्षित रहें। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ दिन पहले इंद्र देवता को खुश करने के लिए छत्तीसगढ़ में मेंढक की शादी कराई गई थी। इंद्र देवता इतने खुश हो गए कि मॉनसून तय वक्त से 17 दिन पहले पूरे देश में पहुंच गया। अब इतनी बारिश होने लगी कि लोग पानी के पास जाने से डरने लगे। राजस्थान में रेत के बीच दरिया बहने लगा है। प्रतापगढ़ और श्रीगंगानगर में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए हैं। चंबा में पानी का जोर ऐसा है कि लगता है पूरा शहर ही बह जाएगा। उत्तराखंड में तेज बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी है। आप भी सतर्क रहें और तेज बहाव के पास जाने से बचें। जो कश्मीर के शांति पर प्रहार करेंगे उनका संहार करेंगी देश की बेटियां। अब कश्मीर की वादियों में महिला कमांडो का दस्ता घूमेगा और पत्थरबाजों को उनकी ही भाषा में सबक सिखाएगा। जब भी पत्थरबाजों को जवान पकड़ने जाते हैं तो महिलाएं उनकी सुरक्षा कवच बन जाती हैं। उसी को तोड़ने के लिए 500 महिला कमांडो का दस्ता अब तैयार है। इन्हें श्रीनगर में तैनात किया जाएगा। इन महिला कमांडो को सबसे पहले सिखाया जाता है कि पत्थरबाजों से खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। 3 स्तर पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। पहले हालात को भांपना, भीड़ पर काबू पाना और फिर आखिर में बल प्रयोग करना। यानी अब पत्थरबाजों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा मुस्लिम महिलाओं के हक की वकालत करते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं। केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए पहले हज में महरम प्रथा खत्म की थी, फिर ट्रिपल तलाक पर रोक लगाई और अब सरकार निकाह हलाला खत्म करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार निकाह हलाला का विरोध करेगी, ठीक उसी तरह जैसा ट्रिपल तलाक पर सुनवाई के दौरान किया था। सरकार की दलील है कि निकाह हलाला प्रथा जेंडर जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुविवाह और निकाह हलाला पर सरकार से जवाब मांगा था। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना किसे कहते हैं, ये जनाब ओवैसी साहब से पूछिए। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी अक्सर विवादों के गोले छोड़ते हैं। ये अलग बात है कि उनकी बातों से कितना धमाका होता है ये पता नहीं। इस बार भी ओवैसी ने यही किया।
पीएम मोदी और अमित शाह को चुनाव के लिए चैलेंज कर दिया। कहा कि कोई भी हैदराबाद से चुनाव लड़े उन्हें नहीं हरा सकता। उनकी तकलीफ भी इतनी बढ़ गई कि पीएम मोदी ने कबीर की मजार पर फूल चढ़ाए, लेकिन कांटे चुभे ओवैसी को। कह दिया कि पीएम मोदी कबीर की कब्र पर जाकर फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके राज में जिनकी कब्र बनी है उनकी फिक्र क्यों नहीं करते। बीजेपी ने कहा कि वैसी छोटी बातों की जगह बड़ी सोच रखे तो बेहतर। हर माता पिता का सपना होता है कि औलाद उनका नाम रोशन करे, लोग उसे याद करें, लेकिन कश्मीर का शाहिद जब सोशल मीडिया पर अपने बेटे बुरहान की तस्वीर देखता है तो वो बेचैन हो गए थे। खबर फैली कि उनका बेटा आतंकी संगठन हिजबुल में शामिल हो गया है। माता पिता ने FIR दर्ज कराई और बेटे के वापस लौटने की अपील भी की। युवकों को आतंक के रास्ते पर धकेलने वाले हिजबुल मुजाहिदीन से मां ने अपील की, कहा बड़ी मिन्नतों से बेटा मिला, इसे वापस कर दो। पिता को बेटे की सेहत की फिक्र है क्योंकि उसे दवाओं की जरूरत है, लेकिन आतंकियों को उसकी सेहत से वास्ता नहीं। बुरहान तक उसके माता पिता की आवाज पहुंचे तो उम्मीद है वो भी अपने घर वापस लौटे। कहते हैं डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं और अस्पताल ठीक होने का ठिकाना, लेकिन सिस्टम अगर खुद बीमार हो तो बीमार इंसान कहां जाए, कैसे ठीक हो और किस पर भरोसा करे। महंगा प्राइवेट अस्पताल तक हर किसी की पहुंच नहीं है, फिर जाएं तो जाएं कहां। जवाब तो सरकारी अस्पताल ही है। बदहाल सिस्टम की शर्मनाक तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। एक पैर टूटने के बाद महिला सरकारी अस्पताल लाई गई, स्ट्रेचर नहीं मिला, फिर वो डॉक्टर तक कैसे पहुंचती, वो दर्द को कब तक सहती और घर वाले उसे तड़पते हुए कैसे छोड़ देते। तरीका निकाला जुगाड़ से, अपने घर की चादर के सहारे मरीज को घसीटकर परिवार वाले डॉक्टर के पास ले गए। सोशल मीडिया में वीडियो सामने आया तो सिस्टम जागा। डीन ने जांच के लिए कमेटी बनाई। दफ्तर में जब तक रहे शाम से और जब विदा हुए तो भी आन बान शाम के साथ। आज महाराष्ट्र के DGP सतीश माथुर रिटायर हो गए, लेकिन फेयरवेल का अंदाज शाही था। DGP माथुर की गाड़ी को खाकी वर्दी वाले जवानों ने रथ बनाया और उसे खींच कर कार तक ले गए। 1981 बैच के IPS माथुर ने जब DGP पद थामा था उस वक्त भी फूलों से सजी जिप्सी में उनका स्वागत किया गया।